Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. एसएसपी ऑफिस के बाहर पुलिस की लापरवाही और बेरुखी का नज़ारा देखने में आया है। एक लाचार बहन अपने अगवा भाई के लिए रो रोकर पुलिस को कोसती रही। इस बहन के भाई का 22 दिन पहले रास्ते से अपहरण कर लिया गया था। पुलिस ने घर वालों से मकान बिकवा कर खुद अपहरण करने वालों को 30 लाख रुपया भी दिलवा दिया, लेकिन न भाई को बरामद कर सकी और न कोई अपराधी पकड़ में आया। कानपुर के बर्रा 5 के रहने वाले चमन यादव का बेटा संजीत लैब टेक्नीशियन है, जो 22 जून को बाइक समेत लापता हो गया था। पीड़ित परिवार ने बर्रा थाने में घटना की जानकारी दी, लेकिन पुलिस उसे नहीं तलाश पाई। 3 दिन तक संजीत के पिता के मोबाइल पर बदमाशों ने फोन करके संजीत को छोड़ने के लिए 30 लाख की फिरौती मांगी, जिसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए प्लान बनाया और परिवार से कहा 30 लाख रुपए का इंतजाम कीजिए। पुलिस का प्लान था कि जब बदमाश फिरौती की रकम लेने आएंगे तब उन्हें दबोच लिया जाएगा। इस पर पीड़ित परिवार ने बर्रा 5 में अपना मकान 20 लाख रुपए में बेचा और बेटी की शादी के लिए बनवाए जेवर बेचकर 30 लाख रुपये का इंतजाम कर लिया। बदमाशों के मुताबिक सोमवार को रकम देनी थी। बदमाशों ने गुजैनी फ्लाईओवर पर फिरौती की रकम मंगवाई थी। फ्लाईओवर के आसपास सादे कपड़ों में पुलिस तैनात हो गई थी, लेकिन शायद बदमाशों को पुलिस के प्लान की भनक लग गई थी, लिहाजा इन वक्त पर बदमाशों ने प्लान बदला और फिरौती की रकम का बैग फ्लाईओवर के नीचे फेंकने को कहा। बदमाशों की धमकी के चलते परिवार ने फिरौती की रकम फ्लाईओवर के नीचे फेंकी। इसके बाद पुलिस जब तक दौड़ कर उनको पकड़ती, बदमाश बैग लेकर चंपत हो गए। खुद देखें वीडियो की किस तरीके से बहन का जो पैसा चला गया है उसको लेकर किस तरीके से इल्ज़ाम लगा रही है और जो यूपी की प्रशासनिक व्यवस्था है उस पर किस तरीके से इल्ज़ाम लगा रही है, खुद देखें वीडियो। 2 बजे हम अपर्णा मैडम के पास गए थे, हमारा भाई का किडनैप हुआ, फिरौती का फोन आ रहा है। कल लास्ट उसने कॉल की कि पैसे लेके आओ, हम लोगों ने पैसे का इंतजाम किया। हम दोपहर में हम माँ बेटी अपर्णा मैडम के पास गए, हमने कहा मैडम बैग तो जा रहा है, उसमें कुछ ही पैसे चीज लगा दीजिए कि वो मेन तक जाए, क्योंकि वो खुद तो पैसा लेने नहीं आएगा, ये आप भी जानते हो। मैडम ने कहा वो बैग हमारा रहेगा, पैसे आपके रहेंगे। हमने कहा ठीक है मैडम, कहते बाइक भी मेरी रहेगी। हमने कहा ठीक है, कहते वो सारा इंतजाम हो जाएगा, तुम चिंता ना करो, वो सब हम करेंगे। हमने कहा ठीक है मैडम, उसमें चिप लगा दीजिए। हमारे कहने के बाद भी उसमें चिप नहीं लगाई गई। ये अपर्णा मैडम, ये साउथ SP हैं। पुलिस से शिकायत है, पैसे भी मेरे दिलवा दिए और मेरे भाई को भी नहीं मिलाया। पुलिस ये कह रही थी कि पैसे तो हम हासिल कर लेंगे, पहले आपका बच्चा मिल जाए। पुलिस एक एक सब साथ में थी, नीचे हाईवे से उसने पैसा बिकवाया। आधे घंटे तक मेरे पापा से बात भी करता रहा, क्या पुलिस के समझ में नहीं आया कि नीचे पैसा बिकवाया जाएगा? और सर खुद कह रहे थे, रंजीत राय सर कह रहे थे देख लेना चमनलाल नीचे पैसा बिकवाएगा। जब ये सब इन्हें पता था, जो मेरे पापा के दोस्तों मेरा बुआ का लड़का लगा था उनको हटा के इन्होंने इतनी देर में सारा मेरा पैसा भी चला गया। मेरा भाई भी मेरे हाथ नहीं लगा, पैसा मेरा मकान भी बेचा था, मेरी शादी का पैसा था, जो ज्वेलरी थी वो भी सब हमें हमारा भाई चाहिए था। हमने मैडम से कहा था मैडम हम कुछ व्यवस्था कर ले, तो मैडम बोली यहाँ जाइए आप अपनी व्यवस्था करिए। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।